हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल नगरु। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ मलिक। तो आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पिंटरेस्ट से कैसे ट्रैफिक लाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जी हां, आप पिंटरेस्ट से यानी कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक एडसेंस का अकाउंट है। इसमें 50% ट्रैफिक जो कि मेरी पिंटरेस्ट से आ रही है और 50% ट्रैफिक जो कि ओरिजिनल आ रही है। ये वाला अकाउंट तो मैंने वैसे ही अभी न्यू बनाया हुआ है, ठीक है। इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, गेम्स वगैरह अपलोड कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं 108 जो विजिटर हैं जो पर मंथ आ रहे हैं इस अकाउंट से। बाकी मेरा एक और अकाउंट है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट है और आप किस नीच पर अकाउंट बनाएं जिससे आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आए कि जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो ये पिंटरेस्ट है ये सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि आप सोशल मीडिया से कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं। यार आजकल जो मेन मसला ये है कि ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक होगी तो फिर ये एड्स से अर्निंग होगी, अगर ट्रैफिक नहीं तो अर्निंग नहीं। बेशक आप कोई भी एड नेटवर्क यूज कर लें, तो काफी लोगों को मैंने कहा है कि यार आप कीवर्ड वगैरह पर वर्क करें, कीवर्ड सर्च करें, फिर आपकी पोस्ट गूगल में रैंक होगी, ठीक है, फिर आपकी ट्रैफिक वगैरह आएगी। लेकिन जो न्यू यूजर हैं, जो न्यू बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम में अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो जो ये सोशल मीडिया है, इससे आप कम टाइम में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं के 2-3 पोस्टें कर दी या फिर 10-12 पोस्टें कर दी तो खुद ही यानी कि ट्रैफिक आती जाएगी और रनिंग होगी, तो ऐसा नहीं होता। इस पर भी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन ग्रुप पर न्यू है, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, इसे ऑल कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। पिंटरेस्ट जो कि आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ गूगल अपने जीमेल के जरिए जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप अपने किसी भी अकाउंट के रैंडम अकाउंट के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है, अब स्टिल वैसे ही है, ठीक है। अब ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को लाजमी देखते रहें। अगर आप न्यू हैं तो मे बी आपका फ़ायदा ही होगा इस वीडियो से। तो नेक्स्ट आपने करना है, उसके बाद आपने मेल करना है यानी कि, या फिर अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर दें, और यहाँ पर कंट्री और लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान आप मैंने सेलेक्ट की है, और आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर मैं गेमिंग चूज़ कर लेता हूँ, ये क्योंकि मेरी वेबसाइट है गेम्स पर, तो इस पर अच्छा रिस्पांस आता है, लोग सर्च करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काफ़ी लोग टेक्नोलॉजी पर सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में हो जाती है कॉमेडी, मूवीज़ वगैरह, वो सब कुछ। तो इस तरह आपने ना वो चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर मैं फिटनेस कर लेता हूँ, कंप्यूटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस, ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी 5 कैटेगरी जो कि आपने खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी है, या फिर आपकी वेबसाइट जिस नीच पर है, जिस तरह की आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी। बाकी इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने ना सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ब्लॉक कर दें इसे। बाकी अब यहाँ पर आपने आ जाना है जो कि आर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आपने ये पेंसिल का आइकॉन है, इसे एडिट कहते हैं, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो सॉरी फॉर नॉइज जो कि अभी वीडियो के पीछे आया है। तो अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, तो फर्स्ट नेम मैं अपना लिख देता हूँ मलिक आतिफ, यानी कि फर्स्ट मलिक और सेकेंड आतिफ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पिंटरेस्ट यूआरएल जो कि यहाँ पर आपको यूआरएल मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपने अपना नेम लिख देना है। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, कोई भी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अबाउट योर प्रोफाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपने बताना है कि आप किस टाइप की पोस्टें करेंगे, ये आप बाद में भी यानी कि लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो मेन बात यह है कि आपने वो नीच, वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस पर आपको ट्रैफिक चाहिए। और बाकी जो ये चीज़ है ना, ठीक है, अबाउट योर प्रोफाइल, ये आप बाद में भी लिख सकते हैं। बाकी ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमी ना पहले से ही सही लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अगर आप चूज करना चाहते हैं कर लें। यहाँ पर यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, तो ये इस नेम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 लेट्स सी कि हाँ ये अकाउंट बन चुका है, ठीक है, हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने आ जाना है अकाउंट सेटिंग में,
अकाउंट सेटिंग में आने के बाद ये ईमेल है, यहाँ पर कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने न्यू ईमेल बनाया है, तो मैंने सोचा कि इस पर ही आपको एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन टू फेसबुक, अगर आप करना चाहते हैं कि जो पोस्ट यहाँ पर आप करें वो फेसबुक पर शेयर हो जाए तो कर लें, बाकी मैं नहीं करूँगा क्योंकि कुछ अकाउंट प्राइवेट ही हों तो अच्छा है। उसके बाद क्लेम है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, उसके बाद ऐप्स है। तो छोड़ो इन चीज़ों को, दोबारा से हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक हम यूज़ करें, यहाँ पर किस, यानी कि स्टार्ट से एक बार शुरू से आपसे बात करता हूँ कि अब हम अपनी वेबसाइट पर कैसे ट्रैफिक लाएं, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर मैंने सर्च किया मूवीज, सिर्फ मैंने मूवीज सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवीज़ की लिस्ट आ चुकी है। इनमें से कुछ ऐसी मूवी हैं जो रिलीज़ हो गई हैं, इनमें से कुछ ऐसी मूवी है जो रिलीज्ड होनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवी आ गई हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये था हमारी यहाँ पर अवेंजर एंड गेम, जो ये जब ये मूवी आई थी या फिर रिलीज़ होनी थी तो लोग बहुत ही ज़्यादा सर्च करते थे, बहुत ही ज़्यादा सर्च करते थे। जिन लोगों ने अपनी पिंटरेस्ट पर पोस्ट कर दी, अगर उनकी पोस्ट गूगल में आने लग गई तो उनके वेबसाइट पर बहुत अच्छी ट्रैफिक जाती थी। अब एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि पिंटरेस्ट से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है जो कि मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट को ही ओपन कर लेता हूँ। तो जब कोई बंदा गूगल पर आएगा, गूगल पर कोई भी इनके गेम सर्च करता है, ये GTA Vice City सर्च करता है, तो जब वो लिंक पर क्लिक करेगा तो इस तरह का उसके पास पेज होगा, ओपन होगा। तो जब वो इस पिक्चर पर क्लिक करेगा ना, इस पिक्चर पर, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कोई भी बंदा पिक्चर पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर चले जाएगा। अगर वो आपकी वेबसाइट पर एडसन के ऐड लगे हुए हैं या फिर उसे आपकी वेबसाइट अच्छी लगी तो वो आपकी वेबसाइट पर स्टे करेगा और हो सकता है वो आपके एड्स पर भी क्लिक कर दे, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो अब दोबारा हम बैक आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमने करना है कि हम कौन सी ऐसी पोस्ट करें जो जल्दी से रैंक हो जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे भाई होंगे जिनकी वेबसाइट यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस पर होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर होगी, एप्लीकेशन पर होगी, सॉफ्टवेयर पर होगी, या फिर गेम्स पर भी हो सकती है। तो मेरी भी वेबसाइट गेम्स पर है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर गेम्स वगैरह ही अपलोड करता हूँ, जो कि ये मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है। एक मेरा और अकाउंट है जिसमें मैं सिर्फ मूवीज़ के रिव्यू, यानी कि कोई अगर मूवी आ रही है, जैसे कि कोई मैंने मूवी अपलोड की है अपनी वेबसाइट पर या फिर किसी की वेबसाइट का, फॉर एग्ज़ाम्पल, यार मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ये मूवी, यहाँ पर जोकर मूवी, आई थिंक ये रिलीज्ड होगी, हाँ ये रिलीज्ड हो चुकी है। यहाँ पर अब हम करते हैं डाउनलोड, डाउनलोड फ्री आ गया हमारे पास, ये एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर फर्स्ट पर जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है पिंटरेस्ट की। ना मैंने इसके पहले कोई भी सर्चिंग वगैरह कुछ भी नहीं की, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग इसकी यहाँ पर है 8 मिनट की बन चुकी है, ये 20 मिनट की भी हो सकती है, लाजमी देखते रहें। तो इसी तरह किसी बंदे ने यहाँ पर पिंटरेस्ट पर एक पोस्ट की, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर पोस्ट आ रही है, टॉप पर, इसमें आपको कोई कीवर्ड सर्चिंग या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक टाइटल लिखना है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एक पिक्चर ऐड कर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है जहां पर आप ट्रैफिक लेने चाहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं टॉप पर नंबर 1 पर ये पोस्ट रैंक हो रही है, ठीक है। अब जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो उसके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस बंदे की यहां पर पिन कहां पर है, इस बंदे की तो डायरेक्ट प्रोफाइल आ रही है, एक बार ठहरे, तो यहाँ पर इस बंदे की डायरेक्ट प्रोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बंदे ने पिक्चर नहीं ऐड की, ठीक है, ये सिर्फ टाइटल है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होगी, मैंने इसे क्लोज कर दिया है क्योंकि वीडियो अगर शो होगी तो कॉपीराइट का इशू है। तो यहाँ पर उस बंदे ने यहाँ पर सिर्फ टाइटल दिया हुआ, पिक्चर ऐड नहीं की। तो जब कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो उसकी वेबसाइट पर चले जाएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि उस बंदे को ट्रैफिक मिल जाएगी, ठीक है, और क्लिक्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी मूवीज़ की वेबसाइट पर गूगल एडसन के ऐड नहीं लगते, वो इलीगल है, ठीक है, अभी स्टार्ट पर बता रहा हूँ, वैसे काफ़ी लोगों को भी पता होगा। तो इस बंदे को इस तरह ट्रैफिक मिल रही है और लोगों को उनकी मूवी मिल रही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर पिक्चर पर आ जाता हूं, यानी कि इमेज वगैरह,
तो यहाँ पर जोकर इमेज मैं कौन सी ले लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर, यहाँ पर ये वॉच नाउ, ठीक है, ये मैंने एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यानी कि सेव एज कर लेता हूँ, इसे मैं वन का नाम दे देता हूँ, ए का सॉरी। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर बोर्ड में आ जाते हैं। अब ये बताता हूँ कि बोर्ड क्या होता है। बोर्ड से मुराद कैटेगरी। कैटेगरी किसे कहते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई पोस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट, उस पर आप पोस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन की, मोबाइल की, यानी मोबाइल की एक्सेसरी वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, या फिर कोई गेम्स, मूवीज, इस तरह की ये कैटेगरी होती हैं। अब यहाँ पर भी आपने अपनी कैटेगरी बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी मूवीज़ की कैटेगरी बना सकते हैं, गेम्स की कैटेगरी बना सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी बना सकते हैं, कॉमेडी या यानी कि एंटरटेनमेंट वगैरह, वो तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्लिक करना है, यहां पर मैं सिर्फ मूवी की कैटेगरी बनाता हूं, मूवीज, यहाँ पर सिर्फ मैंने मूवीज़ देखा। उसके बाद आपने इसे चेक नहीं करना, अगर आप चेक करते हैं तो ये प्राइवेट हो जाएगी, फिर सिर्फ आप ये देख सकते हैं, तो आपने इसे अनचेक करके इसे जस्ट सेव कर देना है। तो मैं जितना आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आ रही होगी, ठीक है, मुझे आपने फॉलो करना है, तो इसे आपने डन कर देना है। तो डन करने के बाद अब हमारी एक कैटेगरी, एक बोर्ड क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर दोबारा हम बैक जाते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा मूवी का बोर्ड क्रिएट हो चुका है, जिसमें अभी तक कोई पिन नहीं है। पिन से मुराद पोस्ट। तो अब यहाँ पर आपने आ जाना है, ये वैसे उन्होंने कोई आइडिया में दिया हुआ है, ठीक है, ये पोस्टें हमने खुद नहीं की। अब यहाँ पर प्लस का आप बटन आइकॉन जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पिन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर यानी कि आपको मेल भी आएगा, तो आपने इसे एक बार वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपने इमेज डाउनलोड की हुई है गूगल से, या फिर जो भी आप पोस्ट करना चाहते हैं, वो इमेज यहाँ पर आपने इस तरह ड्रैग कर देनी है, या फिर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने टाइटल लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा टाइटल लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है जोकर 2019 डाउनलोड फ्री, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने मूवी का, मैं एक बार मूवी भी लिख देता हूँ, ये कीवर्ड होता है, ठीक है, ये कीवर्ड होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसमें कोई मसला नहीं, आपने गूगल में आ जाना है, सिर्फ आपने नेम लिखना है, जो वेबसाइट आपको आप यानी कि टॉप पर शो हो रही है, आपने वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट ओपन हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं इसी वेबसाइट को नहीं रहने देता हूँ, सेकंड को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी ये पिन क्रिएट की हुई है, तो इसे रैंक होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बाकी मसला कोई नहीं, आप किसी की भी पिन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस नेम को कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये टाइटल है, टाइटल में मैं ये नाम इंटर कर लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ना सेटिंग कर लेता हूँ। ये एक वेबसाइट का नाम है, कीवर्ड है, जो कि बंदे वेबसाइट पर अगर पोस्ट जब पोस्ट करते हैं, वो अगर किसी पॉपुलर वेबसाइट का नाम इंटर कर दें टाइटल में, तो उससे भी उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चली जाती है। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जोकर फुल मूवी डाउनलोड, यानी कि फुल हिंदी मूवी डाउनलोड इन HD। अब यहाँ पर आपने, अब इसे छोड़ देते हैं, यानी कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, इसे कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपने लिंक ऐड करना है, तो मेरे पास तो कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं अपनी मिलियन पीसी गेम वेबसाइट पर ही ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, तो मैं यही ऐड करता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मूवी की यहाँ पर पोस्टिंग कर रहे हैं और वेबसाइट हो रहा है, कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बेशक अब लोगों को मूवी मिले ना मिले, लेकिन आपको तो ट्रैफिक मिल रही है ना, तो हो सके तो मूवी की वेबसाइट, यानी कि हो सके तो उस टॉपिक पर काम करें जिस टॉपिक पर आप अपनी वेबसाइट की वेबसाइट पर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि अब काफ़ी लोग में ये कमेंट कर रहे हो कि भाई तुम गलत सिखा रहे हो लोगों को, यार ट्रैफिक का तरीका कर मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी, अपने काम करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पर की हो। अब यहाँ पर आ गई बात के डिस्क्रिप्शन की, अब डिस्क्रिप्शन आपने उसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर आप आ जाता हूँ बैक दोबारा, यहाँ पर आपने वही वेबसाइट ओपन कर लेनी है, फिर कोई और वेबसाइट ओपन कर लेनी है, तो हमने वही वेबसाइट ओपन की हुई है, तो यहाँ पर आपने चेक करना है, तो
यहाँ पर आपने ना इन वेबसाइट के जो ऊपर वाली लाइन है या वो लाइन जिसमें इस वेबसाइट यानी कि इस मूवी को डाउनलोड करने का तरीकाकार बताया हुआ है, इस गेम को, एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, या फिर अगर हेल्थ एंड फिटनेस पर रहा है तो कुछ दो तीन ऐसी लाइन हो जिसमें हेल्थ और फिटनेस के बारे में बताया हो या फिर कॉमेडी वगैरह की हो इस तरह। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत ये कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। ये नहीं कि मैं ये कॉपी पेस्ट करके लगा देता हूँ मेरी पोस्ट रैंक हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ कॉपी मैं कर रहा हूँ जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ कॉपी करनी है जिसकी वैल्यू हो और जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो। जैसे कि यार मैं आपको ना सारा कुछ प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो ये मैंने टर्टल कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पर मैं स्पेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर यह जोकर, अब जोकर की कैटेगरी कौन सी, यानी कि ये मूवी किस कैटेगरी की है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जोकर एक्शन मूवी। यहाँ पर एक मिनट मैं दोबारा बैक आ जाता हूँ, क्योंकि ये हॉलीवुड मूवी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है हॉलीवुड मूवी जोकर फ्री डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टाइटल्स टाइप यहाँ पर एक लाइन लिख दी है। इसी तरह आपने कुछ अपनी तरफ से लाइन लिखेंगे, ऐसी लाइन हो जो कि आपको लगा कि ओरिजिनल है, यूनिक है, जो कि रैंक हो जाए। बाकी अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जो कि टॉप पर वेबसाइट रैंक हो रही हो गूगल में। अब यहाँ पर इतना काम सिर्फ आपने करना है, एक टाइटल दे देना अच्छा सा, ये थोड़ा बहुत आपने ये डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है, बाकी आपने जैसे इसे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सेटिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो इसे जस्ट आपने सेव कर लेना। सेव करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी मूवी, तो यहाँ पर एक बार आपने दोबारा से कंफर्म कर लेना है। अगर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट हो जाएगी, यानी कि इसे पिंटरेस्ट में कहते हैं पिन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है सी इट नाउ, तो जैसे सी इट नाउ पर क्लिक करेंगे इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने दूसरे ब्राउजर में आ जाता हूँ। जब कोई बंदा गूगल से आएगा इस पोस्ट पर क्लिक करेगा तो उसके पास कुछ इस तरह मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो बंदा मूवी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा, तो जब वो बंदा मूवी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर मेरी गेमिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी मिल जाएगी और आपकी वेबसाइट पर कोई ऐड वगैरह लगे हुए हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक भी मिल जाएगा, या फिर जो भी आप अल्टरनेटिव गूगल एडसन का यूज कर रहे हैं वहां से आपको अर्निंग हो जाएगी। बाकी उस बंदे को गेम नहीं मिलेगी वो अलहदा बात है, लेकिन आपका यानी कि उस बंदे को मूवी नहीं मिलेगी वो अलहदा बात है, लेकिन आपको जरूर फायदा हो जाएगा। तो इसी तरह आप थोड़ा बहुत करें स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क जैसे जब आप करेंगे, ठीक है, स्मार्ट वर्क में मेहनत कम लगती है, टाइम कम लगता है, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर यही मैं आपको कीवर्ड का बताता हूं तो कीवर्ड में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 मंथ कीवर्ड पर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर आपकी ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पर। तो ये था मेरा एडसन जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें 50% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरी ट्रैफिक आ रही है सोशल मीडिया से, जो कि पिंटरेस्ट से मेरा एक अकाउंट है मूवी का ही, ठीक है। मूवी रिव्यू करता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह कर देता हूँ। गेम वाला तो मेरा यही है मिलियन पीसी गेम जो अकाउंट का नाम है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। इस तरह मैं थोड़ी बहुत शेयरिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे ट्रैफिक आ जाती है, सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रही है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐड लिमिट लग जाता है, तो हाँ ऐड लिमिट लग जाता है, तो मेरे यहाँ पर इस डोमेन पर, इस एडसन पर ऐड लिमिट भी लगा हुआ था, 2 मंथ मेरी वेबसाइट पर ऐड शो नहीं हुए। उसका सोल्यूशन क्या निकला आखिर में, वो है इस वीडियो में, ये वाली वीडियो, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है। 5 मिनट की वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है ना एड्स नॉट शोइंग वाली, वो फिक्स हो जाएगी अगर एड लिमिट भी लगा हुआ है तो, ठीक है। तो ये वीडियो देख लें, बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह वर्क करना है पिंटरेस्ट पर और किस तरह आपने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, क्योंकि
क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे इस चैनल से अभी एक रुपया भी अर्निंग नहीं हो रही, तो आप लाजमी कमेंट करके हौसला अफजाही किया करें और साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक भी नहीं किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।